अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम आए हुए हैं अपने भाई के पास, जो कि उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और हमें बुलाया कि हम मेरे भाई बकरे आए हुए हैं 9 बकरे इनके पास कुर्बानी के लिए, और जो कि इन्हें सेल करने। और माशाल्लाह से बकरों की जो अगर कलर की बात की जाए तो बहुत प्यारे कलर के अंदर बकरे आए हुए हैं, और जिसम के अंदर बिल्कुल प्योर है, यानी कि फार्म वाले बकरे नहीं हैं जो कि इंजेक्शन वगैरह लगाकर और फीड वीड खिला के जिसको मोटा किया जाता है, वो बकरे बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल प्योर बकरे मिलेंगे, जिसके साथ साथ इनकी जो गिज़ा है जो नेचुरली जो चलती है, जो चने का छिलका और लहसुन वगैरह खिलाया जाता है तकरीबन, उसी को अपनी पिलाई। और माशाल्लाह से नेचुरल ब्यूटी के अंदर और जिसामत के अंदर भी बिल्कुल वेल एंड गुड बकरे हैं। और तो भाई के पास चलें, इनसे ज़रा बात करते हैं क्या डिमांड कर रहे हैं, और मतलब कितने दांतों के अंदर है और क्या प्राइस भाई की है, और फिर इनसे इंशाल्लाह चले बात करते हैं। भाई से ज़रा बात करते हैं कि बकरे की क्या प्राइस है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये माशाल्लाह से ये बकरा है, कॉलर भी इसका मतलब प्यारा कलर है, और जिसामत भी आप देख सकते हैं कि अच्छी जिसामत के अंदर है, लंबाई में और उठाई के अंदर। तो सालिम भाई से क्या डिमांड है जी? अस्सलाम वालेकुम, इसकी डिमांड जो है वो है 65,000 इसकी डिमांड कर रहे हैं। दांतों में कितने? ये दो दांत का है, दो दांतों में है और 65,000। गंदम दाने पर ये पाला है, और बिल्कुल दाने पर इसको पाला हुआ है, बिल्कुल नेचुरली बिल्कुल प्योर है, और बिल्कुल फार्म वाले और इंजेक्शन वाले बकरे नहीं है, बिल्कुल नेचुरली ब्यूटी है, और माशाल्लाह अच्छा। चलिए नेक्स्ट बकरे की तरफ चलते हैं। तकरीबन इसका वजन मैं आपको बताता चलूं, वेट बता दें इसका? इसका वेट जो है ना 25 प्लस है, यानी कि 28 केजी तक इसका, तकरीबन इसका 25 केजी कह रहे हैं, ये तो फिक्स्ड है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह जा सकता है। और इसी के साथ एक और बकरा इनका खुलवा लिया है, जो कि सेकंड बकरा है, और ये बकरा भी आप देखें माशाल्लाह जब प्यारा जगह फेस, और इसकी जिसामत उससे भी जो पहले बकरा दिखाया उससे भी मतलब है बहुत बेहतरीन जिसामत में। तो चले इनसे बात करते हैं, सालिम भाई से ये क्या बताते हैं ये सालिम भाई जी? तो हर लाट के अंदर एक बेहतरीन दाने होते हैं, कुछ उन बेहतरीन दानों में से एक दाना ये है हमारे पास माशाल्लाह, जिसकी डिमांड जो है वो 90 है, और 90,000 या 90,000 रुपए इसकी डिमांड कर रहे हैं। दांतों में कितना है? ये दो दांत का है, दो दांत में ये बकरा है जी हाँ। ठीक है, और मजीद गोश्त का इसका जो आइडिया? बिल्कुल, इसकी अभी इसके जो गोश्त का आइडिया है वो आइडिया नहीं बल्कि इंशाल्लाह 100% होगा। वो ये 32 प्लस यानी 32 प्लस केजी है ये, यानी कि 32 प्लस यानी कि 32 प्लस का केजी वेट बता रहे हैं, जो कि ज़िबा होने के बाद इसका जो गोश्त का जो अंदाजा है वो ये बता रहे हैं भाई, 32 प्लस आफ्टर कुर्बानी इंशाल्लाह प्लस हो जाएगा। और मजीद इसकी डिटेल? मजीद इसकी डिटेल ये है कि ये बहुत उम्दा दाना है, अभी कोई कुर्बानी की नियत से अगर इसको लेगा तो इंशाल्लाह ताला ये तकरीबन 40 तक तकरीबन अपने वेट को लेके जा सकता है बआसानी इंशाल्लाह। हाँ, अभी तो वैसे भी काफी टाइम भी बाकी है, और साथ साथ में एक ये भी बढ़ने वाला जानवर व्यूअर्स को कि ये जो बकरा है ना, इनके पास जो बंधा हुआ है सफेदा, जो पसंदीदा बकरा, जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मेरे जो पसंद का जो बछड़ा था जो मेरा पसंद आया था, तो वो मैंने आपको बताया, इसमें भी आपके साथ शेयर करता जाऊं कि ये बकरा मुझे सबसे ज़्यादा इनका पसंद आया, जो कि इसकी लंबाई, ये जो है ना इसकी लंबाई ये, और इसकी फिर उठान और फिर इसकी गर्दन माशाल्लाह से बहुत ही माशाल्लाह प्यारी, और माशाल्लाह से ही इनका तीसरा बकरा हमने खुलवा लिया है। ये बकरा आप चेक कर सकते हैं, इनका थर्ड बकरा। तो सालिम भाई बताएंगे बाकी इसके बारे में, खूबसूरती, इसके जिसामत, इसके दांत, इसकी डिमांड, ये सालिम भाई बताएं जी। तो ये हमारा तीसरा बकरा है, और जैसे कि मैंने आपको पिछले बकरे में, सेकंड बकरे में बताया था कि लाट के अंदर जो कुछ बेहतरीन दाने होते हैं उन दानों में से ये एक बेहतरीन दाना दूसरा दाना है। इसमें इसकी क्वालिटी ये है कि ये आप इसके कान देखेंगे तो ये कान जो है ना वो एक पिंक शेडो कान होते हैं, ये वो बकरा है अपना कंट्रास्ट के साथ। इसके खुर में आप देखेंगे तो एक खुर भी जो है ना इसके कंट्रास्ट है, समझ गए जी जी। तो इंशाल्लाह ये जो है वो ये भी प्रॉफिटेबल कुर्बानी के अतबार से बहुत प्रॉफिटेबल इंशाल्लाह बकरा होगा। सालिम इसकी डिमांड बताएंगे आप? इसकी डिमांड है 95,000 इसकी डिमांड, यानी कि 95,000 रुपये। और दांतों में ये कितना है? दो दांत, ये भी दो दांत है, और इसका भी ये वजन में जो है वो 35 तकरीबन है। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी कि अभी तक का इनका जो बकरा है तीसरे बकरों में सबसे ज़्यादा वजनदार बकरा है, 35 किलो माशाल्लाह इसका भाई वेट बता रहे हैं कि 35 किलो इसका जो है ना खाली गोश्त का वेट इतना होगा, और माशाल्लाह बकरा अच्छा है आप देख सकते हैं। और इसी के साथ माशाल्लाह इनका बकरा नंबर 4, ठीक है, 4th इनका बकरा हमने खुलवा लिया है, और इन बकरे को भी चेक करें माशाल्लाह से, ये भी खूबसूरत बकरा है। बकरे तो माशाल्लाह इनके पास सारे प्रिंटेड बकरे हैं, जो कि खूबसूरत भी है, लंबाई है भी, और सामर्थ्य
ये सालिम भाई इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जी तो ये हमारा चौथा बकरा है। चौथा बकरा जी, बिल्कुल चौथा बकरा है। तो इसकी खूबसूरती आपके सामने, व्यूअर्स को बताने की जरूरत कोई शक नहीं है, नहीं है इंशाल्लाह। तो इसकी डिमांड जो है वो हमने 52 मांगी। ये देखिए, ये जो बच्चा है ना, इस बच्चे के जो ना तकरीबन जो है ना बराबर बराबर ही बकरा आ रहा है आगे पीछे। जो गर्दन अगर ऊपर की जाए, गर्दन ऊपर की जाए ऐसे ही ऐसे ही। मैं बच्चा थोड़ा बड़ा है, तुम पीछे आ जाओ, तुम बकरे नहीं हो। तो अच्छा बताएं क्या इसकी मतलब गोश्त वेट का बताएं, डिमांड बताएं, इसकी डिमांड क्या है? इसका वेट जो है ना वो इंशाल्लाह तारा 20 तक है, तकरीबन 20 केजी तकरीबन, करीब करीब इसके इंशाल्लाह गोश्त वेट निकलेगा। और चार दांत बकरा है, चार दांत बकरा है। 52 उसकी डिमांड है, 52,000 52,000 इसकी सालिम भाई डिमांड कर रहे हैं ये इंशाल्लाह से, विदाउट एनी बार्गेनिंग इंशाल्लाह। विदाउट एनी बार्गेनिंग जी, यानी कि फिक्स प्राइस जी हाँ। कुछ कुछ दानों में इसमें कोई शक नहीं रहेगा, अगर हम इसको मैं कहूँ कि यार ये बाटा बकरा है ऐसे ही है। क्या लेने के लिए आए हो? देख रहे हैं कैसे लेकर आया बेटा, बच्ची है ना ये, तो प्यारे बच्चों का खेल से वही जो आपने, तो माशाल्लाह से आ चुका है सालिम भाई का बकरा नंबर 5, पांचवा बकरा। और ये पांचवा बकरे का माशाल्लाह प्रिंट चेक करें, माशाल्लाह खूबसूरत प्रिंट, और ये प्रिंट भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। और माशाल्लाह एक से बढ़ के एक भाई का बकरा निकल रहा है सालिम भाई का। और ये सालिम भाई बताएंगे, सालिम भाई डिमांड, इसकी डिमांड जो है वो 62 है, 62,000 यानी कि 62,000 रुपये इसकी डिमांड कर रहे हैं। उसका मीट वेट, और उसका नेट वेट जो है वो आफ्टर कुर्बानी वेट जो है वो है इसका तकरीबन 24 केजी तकरीबन। और जो मतलब मीट वेट की अगर बात की जाए गोश्त के वेट की, तो 24 केजी यानी कि 24 किलो इसका जो है गोश्त का वजन बता रहे हैं सिर्फ गोश्त का। माशाल्लाह से बकरा चेक करें आप, बकरे का प्रिंट चेक करें, और मतलब सारे बकरे भाई के पास प्योर है यानी कि विदाउट इंजेक्शन विदाउट फिट। दो दांत का बकरा है ये, माशाल्लाह प्रिंट चेक करें। ये जोड़ी खुलवाई है 6 और 7 नंबर की। और सालिम भाई माशाल्लाह ये देखें, पहले आप बकरों का माशाल्लाह कलर चेक करें दोनों के, और दोनों के इनके भी जिसामत चेक करें। और ये बच्चा जो है ना ये तो खरीदना चाह रहा है या फिर पत्नी का कहना है, कभी बकरों की आवाज़ निकालते हैं आप, बकरा कैसे बोलते हैं? अरे सालिम भाई माशाल्लाह से ये बताएं क्या जोड़ी का डिमांड कर रहे हैं माशाल्लाह से? आपके माशाल्लाह एक से बढ़ के एक बकरा निकलता जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्या डिमांड कर रहे हैं जोड़ी की? तो इस जोड़ी की जो डिमांड है वो है 130,000 रुपये ये जोड़ी जो है इस जोड़ी की डिमांड कर रहे हैं। और माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन बकरे हैं दोनों, माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों दो दो दांत हैं, दोनों दो दांत हैं, दो दो दांत बकरे हैं माशाल्लाह से दोनों। और 130,000 रुपये, और जहाँ तक वेट की बात है माशाल्लाह, और मीट वेट, और इसकी वेट की बात की जाए तो इन दोनों का वेट मिला के तो इंशाल्लाह ताला तकरीबन कोई 65 को ये तकरीबन पहुंचेगा, 65 दोनों का मिलाकर 65 किलो। जी हाँ, जिसमें से एक का वजन ये एक है हो जाएगा। और माशाल्लाह से डिमांड भी आपको बता दी गई है, मीट वेट भी बता दिया गया है, और बकरे की माशाल्लाह चोरी चोरी क्या ही कहने, माशाल्लाह चाल इसकी माशाल्लाह चाल बड़ी प्यारी है। और ये सालिम भाई के आखिरी जोड़ी सालिम भाई के निकाल चुके हैं हम लोग बकरे, और ये सालिम भाई के माशाल्लाह से ये लास्ट बकरे हैं, सबसे छोटे और गोल मोल बच्चे हैं जो कि सस्ती जोड़ी भी है। सालिम भाई जोड़ी की डिमांड क्या है? इस जोड़ी की डिमांड है 95,000 रुपये इस जोड़ी की भाई डिमांड कर रहे हैं। और गोश्त वेट का सब दोनों का मिलाकर तकरीबन मिला के जो है ना वो 35 केजी, यानी कि 30 किलो से 35 किलो के दरमियान या तकरीबन हो सकता है उससे ऊपर भी हो जाए टाइम के साथ साथ। तो ये कि माशाल्लाह से ये है आपके सामने है। बाकी जिन व्यूवर्स को चाहिए, जो भाई का कुर्बानी के हवाले से अगर इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैं इनका नंबर भी मेंशन कर दूंगा स्क्रीन पे, और उसके साथ साथ इनका एड्रेस भी, और भाई से मज़ीद आप रब्ता कर सकते हैं चाहे व्हाट्सअप या कॉल करके। इन भाई को चाहिए फिर वो ये कि अगर आप खुद आकर यहाँ विजिट करें, विजिट करके बकरे लाइव देख के जाएँ, क्योंकि वीडियो में और फिर लाइव देखने में आपको डिफरेंस नज़र आता है, और फिर अगर आपको समझ में आते हैं तो फिर जाएँ। अगर असल में होता ये है कि जल्दी आइए जल्दी पाइए वो वाला हिसाब किताब है। चले भाई से पूछ कर कैसे जाना, चलिए अब बात करते हैं सालिम भाई से, कि सालिम भाई से बात करते हैं, इनका जरा कॉन्टैक्ट नंबर पता करते हैं, इनसे एड्रेस पता करते हैं कि, और मतलब बकरे तो हमने सबने देख चुके हैं। सालिम भाई आपका कॉन्टैक्ट नंबर बताएं अगर कोई व्यूवर अगर आपसे रब्ता करना चाहे बकरों के हवाले से। जी तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 03150315282800009295
929। और जैसा कि कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे मेंशन होता हुआ नज़र आ रहा है, आप भाई से रब्ता कर सकते हैं। सालिम जूनागढ़ इनका नाम है। और सालिम भाई एड्रेस बता दें आपका। जी तो एड्रेस कुछ ऐसा है कि आप अगर बनारस का पुल क्रॉस करते हैं तो आप औरंगी टाउन 5 नंबर पर दाखिल हो जाएंगे। ठीक है, ये एक मेन जगह है औरंगी टाउन में दाखिल होते ही। ठीक है, मुकम्मल एड्रेस है बनारस का पुल उतर के जो औरंगी टाउन में आते हैं दाखिल होते हैं, और वहाँ पे जो 5 नंबर चुरंगी है पर औरंगी में मशहूर है और बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है और बिल्कुल सेफ सिक्योर है। और उससे आगे अगर हम आते हैं तो मेरे ख्याल से भी जैसे मैं आया हूँ तो इधर ZMC या नादरा सेंटर बना हुआ मशहूर है 5 नंबर थोड़ा सा आगे आते ही। और ये जो ऑरेंज लाइन का पुल भी चल रहा है, ऑरेंज लाइन का पुल राउंड हो रहा है बिल्कुल वहीं पर, फिर ZMC ऑफिस है उससे उल्टे हाथ पर आगे की तरफ आएंगे तो जो मेरी रिहाइश की तरफ जो बिल्कुल करीब जगह लगती है वो नियरेस्ट जगह है वो मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस वाली गली में कॉर्नर का मकान है। ठीक है ठीक है, तो जिस भाई को अगर चाहिए तो भाई से रब्ता कर सकते हैं और भाई से मतलब कोई मुकम्मल डिटेल पाके जी आप व्हाट्सएप पे कॉल करके आप मालूम ले सकते हैं। और इंशाल्लाह ये है कि पहले सालिम भाई आपसे चाहेंगे इजाज़त। ठीक है भाई, माशाल्लाह बकरे के बारे में एक चीज़ आपको बताना चाहूँ कि वो बकरे नहीं है जो सबका खराज वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, ये वो बकरे नहीं है माशाल्लाह से कुर्बानी के लिहाज से मतलब अच्छे और नेचुरल के ऊपर मतलब कि अपने उसमें तैयार हुए हुए हैं और इनको फीड नहीं खिलाया हुआ, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया हुआ, बिल्कुल नेचुरली और अच्छी सामर्थ के अंदर बकरे हैं और प्रिंट भी अच्छे बकरे के। चलें आप भी चाहेंगे इजाज़त, इसी के साथ चलें सालिम भाई। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।